हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आपको लिए चलते हैं कौमी असेंबली में, जहां पर खुर्शीद शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, ये वो पार्लियामेंट है जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, ये वो पार्लियामेंट है जिसने डिक्टेटर से छीन के 18वीं तरमीम बना के हमें अख्तियार दिए सूबों को। हम अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पार्लियामेंट के ऊपर खुदा ना खास्ता जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो लफ्ज मैं इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोल सकता, बोला होगा दूसरों ने। मैं डेमोक्रेटिक हूं, हम डेमोक्रेटिक हैं, मैं मेरे मुंह में ये खाक के मैं ये लफ्ज भी बोल सकूं जो कल बोले गए। हर उस शख्स के मुंह में खाक जो ये लफ्ज यहां बोलता है। ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये आज बाहर जो जंग है किसकी है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, लोगों से वोट लूं, पार्लियामेंट के अंदर जाऊं और पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के अवाम के लिए वो कानून बनाऊं जिससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुद कफील हो जाए। ये पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ये पार्लियामेंट नहीं, आप पार्लियामेंट के तकद्दस को पामाल करें। आज पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को आपने जहनी मरीज बना दिया, वो सोचेंगे कि ये पार्लियामेंट क्या है, हम वोट दे तो क्यों दें। मेरा नौजवान पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना चाहता है, जिसको पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाहिए, जिसको पाकिस्तान का नाम चाहिए, जिसको पाकिस्तान की शनाख्त चाहिए, उसकी शनाख्त को हम क्यों छीन रहे हैं? आने वाले बच्चों को क्यों हम इस शनाख्त से महरूम कर रहे हैं? आज हम अदारों की तोहीन करने पे तुले हुए हैं। क्रेडिट से कहता हूं, बड़े फखर से कहता हूं कि तख्तेदार पे भी चढ़े बहुत बड़ा लीडर दुनिया का, जिसके लिए आज भी मुखालिफ कहते हैं कि काश भुट्टो होता तो दुनिया में इसराइल की दहशतगर्दी नहीं होती, काश भुट्टो होता तो अमेरिका की आज डिक्टेशन नहीं लेते, पत्थर के जमाने की थ्रेट नहीं सुनते। कांपती थी दुनिया भुट्टो की आवाज से, आज बेनजीर भुट्टो इस मुल्क में होती तो आज इस मुल्क में किसी हुक्मरान को यह ताकत नहीं होती कि पाकिस्तान के लिए कोई रेजोल्यूशन पास करते हो। 33 बिलियन की बात करते, हम रास्ते भी रोक सकते थे, हमने रास्ते भी दिए। यह हुक्मरानों की नाकामी थी, इस पार्लियामेंट की नाकामी नहीं थी। इस पार्लियामेंट में खड़े होके बड़े बड़े अदारों के लोगों ने आके पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। इस पार्लियामेंट में खड़े होके दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज भी उठी, एक्शन भी हुआ, ज़र्बे अज़ब भी हुई। आजकल क्या नाम है, रदुल फसाद भी हुआ, मगर इस पार्लियामेंट की ताकत पे, इसके पीठ पे ताकत खड़ी है। आज जो उठता है, मियां नवाज शरीफ उठता है, वो भी अदारों की तोहीन करता फिरता है। इमरान खान भी उठता है, वो भी अदारों की तोहीन करता फिरता है।
मगर पीपुल्स पार्टी सर तख्ते दार पे भी चढ़ती है, अपनी अजीजों को, अपने प्यारों की, अपनी उन लोगों, उन सियासतदानों की जिन लोगों ने जाने दे दी, तब भी ये नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तब भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान चाहिए हमें। हमारे मुंह से आज तक पीपुल्स पार्टी के मुंह से क्या क्या केसेस नहीं बनाए गए, आज के हुक्मरानों ने क्या क्या केसेस हम पे नहीं बनाए, वो टेप आज भी सुप्रीम कोर्ट में, वो टेप आज भी आपके पास मौजूद है जिसमें कहा गया कि बेनजीर भुट्टो को और जरदारी को सजा दे दो। फिर भी हमने अदारों की तोहीन नहीं की, फिर भी अदारों के बाहर खड़े होके ये बात नहीं की कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। हमने लानत नहीं भेजी, हमारे वजीर आजम को एक सेकंड के अंदर बाहर निकाल दिया, हमने फिर भी तोहीन नहीं की। आज उन अदारों को एहसास होता होगा, उन जजेस को एहसास होता होगा कि ये क्या गजब कर दिया कि हम पीपुल्स पार्टी जैसी जमात की जो आज भी मुहब्बे वतन है, जिनको आज भी अदारों से प्यार है, जो आज भी पाकिस्तान से प्यार करती है, जो आज भी पाकिस्तान के धरती के जरे जरे से मोहब्बत करती है, जो आज भी पाकिस्तान के रेगिस्तान और खलियानों से मोहब्बत करती है, वो आज भी खुशहाली चाहती है, आज भी बेवाहों की खुशहाली चाहती है, आज भी क्लारिक मुलाजिम सिपाही छोटे तबके की तरक्की चाहती है, आज भी पाकिस्तान की खुशहाली चाहती है। मिस्टर स्पीकर, हमने तो अदारों की तोहिने नहीं की। जैनब का कत्ल होता है तो हम जहां मौजूद होते हैं, हम गिनाते हैं मुस्लिम लीग नून की नाकामी, हम गिनाते हैं मुस्लिम लीग की अदारों के खिलाफ साजिशें, हम बोलते हैं खुल के, मगर मैदान में जब किस्सा होता है तो उसको छुपाने की कोशिश भी की जाती है। उन मासूम बच्चों का कत्ल होता है, छुपाने की कोशिश भी की जाती है। डेरा इस्माइल खान में वाकया होता है, पर्दा डालने की कोशिश भी की जाती है। एमएनए उठ के बोलता है, उसको निकालने की भी बात की जाती है। मगर मैं बड़े फखर से कहता हूं, जिस सूबे में हमारा ताल्लुक है, इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए हम सिया पलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, उन दर्दों को हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। मगर बावजूद उसके कि पाकिस्तान के नाम के हम सदके होने वाले हैं, पाकिस्तान के नाम पे अपनी जान की कुर्बानियां देने वाले हैं, पाकिस्तान के नाम पे हम सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करने की ताकत भी रखते हैं, एक ही पार्टी है जो हक मांगती है पाकिस्तान के अवाम को, एक ही पार्टी है जो नौजवानों को कहती है, पाकिस्तान के आने वाले नस्लों को कहती है कि होशियार होकर वोट दो, होशियार होकर हिसाब करो, होशियार होकर आगे बढ़ो, मुहब्बे वतन को पहचानो, प्यार पाकिस्तान से प्यार करने वालों को पहचानो। हमारी आवाज आज तक भी पाकिस्तान के नौजवानों तक ये जाती है, मगर ये तकलीफ होती है जब ये अल्फाज सुनते हैं। आप इस्तीफा देते हैं, सजा दे दे, हम इस्तीफा देते हैं, सजा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम इधर आएंगे, फिर बातें करेंगे, मगर इस छतरी के नीचे ये हिफाजत है हमारी, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या आप डिक्टेटर को बुलाना चाहते हैं? इस पार्लियामेंट को ताला देकर डिक्टेटर को बुलाएंगे, फिर मजलूम होके आप खड़े हो जाएंगे, फिर साहब मौसूफ के आगे झुक जाएंगे? यहां कोर्टें भी हैं, यहां अदारे भी हैं, हर अदारा अपनी जगह पे मजबूत देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अफवाज को सिया पलाई दीवार अपने बनाना चाहते हैं कि दुश्मन मुल्क के सामने सिया पलाई दीवार खड़ी हो, बनके खड़ी हो जाए, दहशतगर्दों के खिलाफ सिया पलाई दीवार खड़ी हो जाए। हमारे अदारे, हमारी अदलिया अपने फैसले आजाद करना चाहिए, आजाद फैसले करना चाहिए, उनको भी अदालत के अंदर रह के फैसले करने चाहिए, साफ और शफाफ फैसले करने चाहिए, वो फैसले करने चाहिए कि दुनिया में भी वो फैसले रेफरेंस के तौर पे बोले जाए। हमें पाकिस्तान आप अदालत में बैठ के उनको भी अदालत जज जो है वो फैसले अदालत में बैठ के वो फैसले करे जो पाकिस्तान के हक में हो।
लोग ये समझे कि अदालत के जन अदालत के लोग भी सिविलियन फैसले करने लगे हैं, उनको भी इससे परहेज करनी चाहिए सिविलियन फैसलों में। उनको भी देखना चाहिए कि सिविलियन हुकूमत क्या है, हाक इकबरान क्या है, पार्लियामेंट क्या है, अदलिया क्या है, फौज क्या है, क्या है, सबको देखना चाहिए। इस वजह से आज कुछ लोग उठते हैं और ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे तकलीफ होती है। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को तकलीफ हुई है, खुदा की कसम कर से टेलीफोने आ रही है कि कुछ तो बोलो, शर्म करो, कुछ बोलो। मगर मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद, पार्लियामेंट जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, बेनजीर जिंदाबाद, भुट जिंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद। यह मुल्क रहेगा जब तक दुनिया कायम रहेगी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा वतन भी कायम रहे, ये पार्लियामेंट भी कायम है, ये जमहूरियत भी कायम रहे, गरीब की आवाज भी कायम रहे। जी साजिद अहमद साहब, इसके बाद साजिद अहमद साहब जी, साजिद